जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमेशा क्राफ्ट अपने लिए तो बनाते ही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का हम ये क्राफ्ट प्रभु श्री राम के लिए बनाएं। तो आज मैंने उनके नाम की एक नेम प्लेट बनाई है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप मोल्डेड क्ले को इस तरह से आप लंबा लंबा आप बेल लीजिए, और देखिए मैंने जिस तरह से डिज़ाइन बनाया है, तो आप भी इसी तरह से इसको दोनों साइड बहुत ही अच्छे से आप इसको बेल करके इस तरह से लगा लीजिए। फ्रेंड, ये नेम प्लेट है तो ये मैंने थोड़ी लंबी ही बनाई है। अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर में या रेक्टेंगल में भी बना सकते हैं। वैसे ये रेक्टेंगल शेप में ही है। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर हम एक धनुष की शेप हम यहाँ पर बना रहे हैं। प्रभु श्री राम के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा धनुष बनाया है। तो आप इसी तरह से मोल्डेड क्ले को लंबा लंबा बेल कर फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार में ही आप इसके लिए धनुष के लिए मोल्डेड क्ले को अच्छे से बेल लीजिए और इस तरह से आप इसको बना लीजिए। मुझे यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर मैंने जय सिया राम लिखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जय श्री राम भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। आप जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और देखिए मैंने इसको लंबा लंबा बेल कर इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। जो आपकी क्ले की मोटाई है फ्रेंड, वो आपको ध्यान रखना है कि कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। और आप इसको बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको कंप्लीट करें, तभी फ्रेंड्स आपका ये वर्क जो है, मोल्डेड क्ले का वर्क जो है, बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने ये तीर बनाया था, तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आगे मोल्डेड क्ले से शेप बना दी है, और पीछे भी मैंने ये तीर को इस तरह से पूरा कर लिया है। अब मैंने जो यहाँ पर जय सिया राम लिखा है, मैंने इसके ऊपर टेक्सचर दिया है। अगर आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी आप टेक्सचर दे सकते हैं। मेरे पास ये मांडा की, यहाँ पर मेरे पास ये स्टिक थी, तो मैंने इन्हीं स्टिक से यहाँ पर अच्छे से टेक्सचर दे दिया है। आप चाहें तो सुई से या किसी भी चीज़ से आप यहाँ पर टेक्सचर दे सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, मैंने साइड में छोटे छोटे दो मैंने ब्लॉक्स लिए हैं, और यहाँ पर मैंने इस तरह से दिए का शेप बनाया है। प्रभु श्री राम के लिए मैंने यहाँ पर एक दीपक भी बनाया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या आप कलश भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्ले को थोड़ा पतला बेला है, तो आप ये ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, मेरे पास ये बहुत दिनों से ये रखा हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ किया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मोल्डेड क्ले रखिए, और यहाँ से बहुत अच्छे इसमें से आप जो है डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इन दोनों लाइंस के बीच में इस तरह से यहाँ पर ये लगा लिया है, तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। इसके बाद मैंने यहाँ पर छोटी छोटी लीव्स बनाई हैं, और इसके लिए मैंने ये इस तरह से शेप दी है, और उनको थोड़ा सा मैंने प्रेस कर दिया है, और मैंने इनके ऊपर टेक्सचर दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, वर्क को ड्राई होने के बाद आपको क्या करना है, स्पंज की हेल्प से इसके ऊपर कलर कर देना है। ब्रश के बजाय फ्रेंड्स आप स्पंज का यूज़ करें। अब देखिए जो हमारे घर में आटे में से जो हमारा एक्स्ट्रा जो बच जाता है, वो मैंने यहाँ पर वो यूज़ किया है, और इसमें मैंने वाइट विनेगर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर डाला है। पानी आप ना ही डालें तो ही अच्छा है, और इसमें थोड़ा सा फेविकोल ऐड कर दें, और आपका जो कलर आपको पसंद हो फ्रेंड्स, वो कलर आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए
हमारा ऑरेंज कलर कितना अच्छा बना है। मैंने यहाँ पर चार कलर बनाए हैं, अगर आप चाहें तो कोई और भी कलर आप बना सकते हैं। ये दूसरा मैंने यहाँ पर ब्लॉक लिया था और तो यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से, यहाँ पर मैंने चारों कलर बहुत अच्छे से मैंने इसको लगाए हैं। थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप लगाएं तो आपका जो मिक्सचर है बहुत ही अच्छे से आपका लग जाएगा। पहले कलर को आप थोड़ा सा सूख जाने दें, उसके बाद दूसरा कलर आप अप्लाई करें, नहीं तो ये कलर आपके मिक्स हो सकते हैं। अब फ्रेंड ये कलर सूखने के बाद हमें क्या करना है, इसकी बाउंड्री बनानी है। तो उसके लिए मैंने एक पहले एक वाइट कलर कर दिया है और उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको सूखने दूंगी। तब तक सूखता है वो वर्क फ्रेंड्स, तब तक हम यहाँ पर दूसरा वर्क कर लेते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर फूलों का थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लुक देना था, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से पहले येल्लो कलर किया है। तो आप भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेकर यहाँ पर आप इस तरह से अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए और इसको ड्राई होने दें। तब तक फ्रेंड हमारा वाइट वाला कलर वो सूख गया है, तो वहाँ पर आप ब्लू कलर कर लें या जो आपको पसंद हो आप वो कलर कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिया है और बीच में मैंने थोड़ी सी जगह भी छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पर मुझे तीसरा रंग भी करना है। तब तक वो वर्क सूखता है, तब तक हम अपने दिए के अंदर थोड़ा सा ये फिलिंग कर लेते हैं। इसको भी मैंने यहाँ पर मेहरून कलर से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और ऊपर की साइड में मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर किया है। जब भी आप कोई क्राफ्ट बनाते हैं तो कलर्स आप अपनी चॉइस के रखें। और देखिए लॉ के अंदर मैंने यहाँ पर येलो और ऑरेंज कलर लिया है क्योंकि जो लॉ का कलर होता है वो हमारा ऐसा ही होता है, तो आप यहाँ पर येलो और ऑरेंज कलर लें। तब तक ये हमारा वर्क सूख जाता है फ्रेंड। यहाँ पर हमने यहाँ ऑरेंज कलर के जो है बीच में जो मैंने जगह छोड़ी थी वहाँ पर मैंने ये ऑरेंज कलर कर दिया है। देखिए एक वर्क सूखने के बाद ही फ्रेंड आप उसके ऊपर दूसरा वर्क करें। वाइट कलर सूखने के बाद मैंने इसके ऊपर ब्लू कलर कर दिया है। अब बारी आती है हमारे मेन बेस को कलर देने की, तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर लिया है। लाइट कलर जब भी हम अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड वहाँ पर हमें दो बार दो कोट करने ही पड़ते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप यहाँ पर डबल कोट कर लें। और साइड में देखिए मैंने यहाँ पर इस वी शेप में मैंने यहाँ पर कलर किया है क्योंकि जो मैंने दूसरे जो ब्लॉक्स बनाए हैं, वुडन ब्लॉक जो मैंने बनाए हैं, वो मुझे यहाँ पर लगाने हैं, इसलिए मैंने बीच में जगह खाली छोड़ दी है। और ये मेहरून कलर करके मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया। और लास्ट में बारी आती है हमारे धनुष को और जय सियाराम को कलर करने की। हमने येलो कलर इसके ऊपर किया है क्योंकि हमें इसके ऊपर गोल्डन करना है, तो हमने इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए फ्रेंड हमने इसके ऊपर येलो किया है, फिर हम इसके ऊपर गोल्डन कर लेंगे। और देखिए अब मैंने दिए कि चारों तरफ मैंने इस तरह से ये मिरर्स लगा दिए हैं। अगर आप मिरर लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मैंने ग्लू गन से इसको इस तरह से लगा दिया है। फेविकोल से फ्रेंड आपका ये ब्लॉक जो है नहीं लगेगा क्योंकि ये लकड़ी है, तो फेविकोल से फ्रेंड लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फेविकोल एमआर से नहीं लगेगा ये। अब मैंने इसके ऊपर भी थोड़े से मिरर लगा दिए हैं, आपके पास जो मिरर हो वो आप लगा सकते हैं। और फ्रेंड इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। अब जो मैंने साइड में ग्रीन कलर किया था अब मैंने वहाँ पर भी ये राउंड मिरर ही लगाए हैं। फेविकोल के साथ फ्रेंड आप इनको अच्छे से लगा दीजिए। मिरर वर्क करने से पहले फ्रेंड मैंने इसके ऊपर एक कोट वार्निश कर दिया था। कलर को अगर आपको सिक्योर करना है तो आप इसके ऊपर वार्निश जरूर करें। ऊपर की साइड में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखिए राउंड मिरर और थोड़े से मैंने ईंट के शेप के मिरर मैंने यहाँ पर लगाए हैं।
अब बारी आती है फ्रेंड गोल्डन कलर करने की। तो देखिए इस तरह से स्पंज पर मैंने ये मेटालिक येलो कलर लिया है। तो आप इस तरह स्पंज से आप इजीली लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ पर आप गोल्डन कलर कर सकते हैं। मैंने देखिए जहाँ पर येलो कलर किया था वहाँ पर मैंने ये गोल्डन कलर कर दिया है फ्रेंड्स। ये हमारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। और इस वर्क को आप कंप्लीट सूख जाने दें। सूखने के बाद देखिए फ्रेंड मैंने इसमें थोड़ी लटकन लगाई है। और इस तरह से आप लटकन को लगा करके आप इसको कंप्लीट कर लें। तो देखिए इस तरह से प्रभु श्री राम के नाम की नेम प्लेट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आप अपने घर के बाहर प्रभु श्री राम के नेम प्लेट ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स। तो आपको अगर मेरा ये क्राफ्ट अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो फ्रेंड लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें। तो चलिए हम मिलते हैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री राम।